हेलो जी, सलाम अभी आपको, सलाम अलैकुम। आवाज़ ठीक है? चलिए आप बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें, हम 10 मिनट तक स्टार्ट करते हैं। पीपीटी भी अपलोड हो जाए हमारी प्लीज़। लास्ट जो लेक्चर था एबीजीज के हवाले से, उसको ज़रा आप रिपीट कीजिए यहाँ पर कमेंट्स के अंदर, जैसे जैसे आप लोग ज्वाइन करते जाएँ। ठीक है जी, जी। वालेकुम अस्सलाम, आवाज़ आ रही है आपको ठीक से? जी आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है जी, तो वेट करते हैं थोड़ा सा, बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें और 4:15 पे इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, आप लोग ज़रा रिवीजन कर लें। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? ठीक है जी, लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था इसके हवाले से, एसिड बेस इंबैलेंस के हवाले से।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। बाकी लोगों को भी कहें कि ज्वाइन कर लें ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें, और मुझे बता दें कि आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं आ रही। जी क्लास, आवाज़ का बता दें। मुझे आवाज़ का बताएं, आवाज़ आ रही है अब आपको? सुन पा रहे हैं मुझे? जी क्लास, मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? चलें, अच्छा है, वॉइस इज क्लियर नाउ। सो मैंने आप लोगों से पूछा है कि हमने एबीजीज की पांच चीज़ें पढ़ी थी, उनकी ज़रा नॉर्मल वैल्यूज़ को आप लोग रिवाइज कर लें। मुझे बताएं कि वो पांच पैरामीटर्स कौन कौन से थे एबीजी के, और उनकी क्या क्या नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, पीएच, पीसीओटू, पीओटू, और उसके बाद जो है बाकी की चीज़ें एचसीओथ्री वगैरह, एसएओटू, इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ जो हैं वो आप लोगों ने बतानी है ना। जल्दी से शुरू करें जी, आप लोग ये करते हैं फिर हम आगे चलते हैं जी अकॉर्डिंगली।
ठीक है जी, शुरू करें अब। हेलो, जी आवाज़ में किसी किस्म की डिस्टॉर्शन हो तो बता देना आप लोगों ने। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया मुझे। वेरी गुड, सबसे पहले आलिया ने भेजा है और आलिया आपने ठीक वैल्यूज बताई हैं। चलें जी, बाकी लोग भी भेजते रहें। चलें, सो एसिडोसिस और अल्कलोसिस को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे बात इस तरह से है, एसिडोसिस और अल्कलोसिस के हवाले से बहुत दफ़ा जो है वो क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस। तो इसको इस लिहाज से आपने याद करना है कि इसको एसिडोसिस और अल्कलोसिस में आप फ़र्क जो है ना वो बता सकें। या एक तो है, ठीक है शहजाद, आपने भी वैल्यूज़ बिल्कुल ठीक बताई हैं। दूसरी चीज़ है जी, एसिडीमिया एंड अल्कलीमिया, इनके दरमियान भी डिफरेंस आ जाता है, ये इनकी डेफिनेशन आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ ये वाली जो प्रेजेंटेशन है इसके ऊपर ही नहीं हम रहेंगे। सुंदस ने और सुमैया शाहिद ने भी ठीक वैल्यूज़ भेजी हैं। सिर्फ ये वाली पीपीटी पे नहीं रहेंगे, एक और पीपीटी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आपने उसमें से भी हम जो है ना कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हम इस पीपीटी में कवर करेंगे और कुछ चीज़ें जो है वो डेफिनेटली दूसरी वाली पीपीटी के साथ जो है ना हम कंबाइन करके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जेनिफर अनसब ने भी ठीक भेजी हैं जी वैल्यूज, ठीक है। चलें जी, एसिडोसिस और अल्कलोसिस में देख लेते हैं। एसिडोसिस कब होगी? दो कंडीशंस के अंदर एसिडोसिस हो सकती है बॉडी के अंदर, और इसी तरह दो कंडीशंस के अंदर अल्कलोसिस हो सकती है बॉडी के अंदर। पहली जो वजह है एसिडोसिस होने की, जो पहली वजह है वो ये हो सकती है, या तो हमारी बॉडी के अंदर से बेस लॉस हो जाए और या फिर हमारी बॉडी के अंदर एसिड जमा हो जाए, ठीक है, या तो हमारी बॉडी के अंदर एसिड जमा हो जाए, एसिड इंक्रीज हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, या फिर हमारी बॉडी के अंदर से जो हमारी बेस है, जो हमारी अल्कली है, अल्कलाइन कंटेंट जो है बॉडी का वो कम हो जाए, ठीक है। और दूसरा, अल्कलोसिस कब होगी? बिल्कुल इससे ऑपोजिट, जब हमारी बॉडी के अंदर अल्कलाइन कंटेंट बढ़ जाए या फिर हमारी बॉडी से एसिडिक जो वो है वो एसिड जो है वो कम हो जाए। इन दोनों सूरतों के अंदर एसिडोसिस और अल्कलोसिस हो सकती है। सो मैंने आपको क्या बताया कि देर आर टू कंडीशंस जिनमें एसिडोसिस और अल्कलोसिस हो सकती है, ठीक है जी, देर आर टू कंडीशंस जिसमें एसिडोसिस और अल्कलोसिस हो सकती है, राइट जी। अब आप लोग बताएं मुझे कि एसिडोसिस होने वाली टू कंडीशंस कौन सी जी क्लास, एसिडोसिस होने वाली टू कंडीशंस कौन सी हैं और अल्कलोसिस होने वाली टू कंडीशंस कौन सी हैं? जी क्लास, तो मैंने आप लोगों को क्या एक्सप्लेन किया है, एसिडोसिस किन दो कंडीशंस में हो सकती है और अल्कलोसिस किन दो कंडीशंस में हो सकती है, हरी अब बताएं जी, कौन सी दो कंडीशंस हैं जिसमें एसिडोसिस हो सकती है और कौन सी दो कंडीशंस हैं जिनमें अल्कलोसिस हो सकती है? वेरी गुड सुमैया शाहिद, लॉस ऑफ बेस और एक्युमुलेशन ऑफ एसिड, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को इस बात की समझ आ गई है
जी, जो मैंने बात आप लोगों को बताई है कि आपको ये बात समझ आ गई है कि दो दो कंडीशंस हैं जिनके अंदर एसिडोसिस या अल्कलोसिस हो सकती हैं। आपने मुझे ये बताना है कि क्या ये कंडी आपको समझ आ गई है? ठीक है जी, चलें। ओके, हो गया। नाउ एसिड बेस इम्बैलेंस या एसिड बेस डिसऑर्डर्स जो हैं उनको बेसिकली चार टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। कितनी टाइप्स में जी? चार टाइप्स में डिवाइड किया जाता है एसिड बेस डिसऑर्डर्स को। जो पहला एसिड बेस डिसऑर्डर है, आप ये कह दें कि एसिड के डिसऑर्डर हैं दो, और दो फिर बेस के मेन डिसऑर्डर हैं। एसिड के तो दो डिसऑर्डर हैं। नंबर वन इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर मेटाबॉलिक कॉजेस की वजह से एसिडोसिस होती है तो वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, और अगर रेस्पिरेटरी कॉजेस की वजह से एसिडोसिस होती है तो वो फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। ठीक है। और इसी तरह दूसरा जो है, दूसरा डिसऑर्डर जो है, दैट इज ड्यू टू अल्कलाइन बेस की वजह से है। तो अगर मेटाबॉलिक कॉज की वजह से बेस बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाती है या एसिड डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं, और अगर रेस्पिरेटरी कॉज की वजह से ये प्रॉब्लम होती है तो उसको रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कहा जाता है। सो मेन हमारे, चलें अभी यहाँ से आगे जाने से पहले पहले जो है मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आगे इनकी फर्दर सब टाइप्स हैं। ठीक है, फर्दर सब टाइप्स, इन चारों की फर्दर सब टाइप्स हैं। नंबर वन कंपनसेटेड हैं ये सारे डिसऑर्डर्स, उसके बाद अनकम्पनसेटेड हैं, और उसके बाद जो है ना पार्शली कंपनसेटेड हैं। ठीक है, इन चारों डिसऑर्डर्स को आगे फर्दर कैटेगराइज किया जाता है, इन चारों डिसऑर्डर्स को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है। तो पहली कैटेगरी इन चारों के अंदर जो है वो होती है अनकम्पनसेटेड की, दूसरी कैटेगरी होती है पार्शली कम्पनसेटेड की, और तीसरी कैटेगरी होती है जी फुली कम्पनसेटेड की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस को लेता हूँ, सो इसमें मैं कहूँगा कम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, या फिर पार्शली कम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको, कम्पनसेशन, अनकम्पनसेशन, पार्शल कम्पनसेशन, इसको हम आगे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे जी क्लास यहां तक क्लियर है आप लोगों को? आगे चला जाए। ठीक है जी, चलें। अब मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है, और वो सवाल ये है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आपके ख्याल में क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, आपके ख्याल में एसिडोसिस का क्या मतलब है, नंबर वन थिंग। और जी, आपके ख्याल में मेटाबॉलिक एसिडोसिस का क्या मतलब है? हाँ जी भाई, को नहीं है सर जी, फोर टाइप्स रिपीट कर दें। सो आप में से कोई अक्सा को यहाँ पे कमेंट्स में एक्सप्लेन कर देगा जी, फोर टाइप्स? जी फोर टाइप्स आपने जरा अक्सा को बतानी है, किसी ने एक्सप्लेन कर दिया, अक्सा कमेंट्स पे ध्यान देना, ये लोग आपको बताते हैं अभी फोर टाइप्स। जी हरी, अब फोर टाइप्स और उनकी फर्दर जो मैंने थ्री कैटेगराइजेशन बताई है वो आप अक्सा को बताएं। ठीक है जी, फोर टाइप्स और इसकी फर्दर जो कैटेगराइजेशन मैंने आपको बताई है वो फ्रेंड्स में शेयर करें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। और मुझे 5 मिनट दें, मैं ज़रा पानी पी लूँ।
हाँ जी क्लास सुन रहे हैं आप लोग जी? आवाज़ आ रही है आपको ठीक से जी? आवाज़ का बताइए।
हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी क्लास, बैक फ्रॉम द ब्रेक। जी क्लास, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, तो हमने पढ़ा था चार तरह के डिसऑर्डर्स का, और आगे जो है हम अब देखते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होती है। ठीक है, सेकंड काम जो है वो हमने ये करना है। जी, तो सेकंड काम हमने ये करना है कि मैं अब आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने पोर्टफोलियोज कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो आप लोग फिर